हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बनाने वाले हैं वॉल रिचार्जेबल वॉच, जिसको दीवार घड़ी भी बोलते हैं। इसको हम रिचार्जेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहां पे बैक का कैप निकाल लिया हुआ है और ये 1.5 वोल्ट पे चलता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नैनो स्प्रेयर आता है जो सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज़र में यूज होता है, तो ये मेरे पास ख़राब पड़ा हुआ था। इसके सर्किट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बैटरी के साथ इसमें एक सर्किट होता है जो रिचार्जेबल होता है। आपके पास ऐसा सर्किट ना होता, आप 3.7 वोल्ट का कोई भी बैटरी जो स्क्रीन पे शो हो रहा है आप ले सकते हैं, और एक चार्जिंग मॉड्यूल ले सकते हैं, और उससे सेम वायरिंग होता है दोनों का, उससे कनेक्ट करके आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज हम मेजर कर लेंगे, इसका वोल्टेज कितना आउटपुट में दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर लिया हुआ है, मल्टीमीटर में डीसी सेट कर लेंगे। डीसी सेट करके इसका वोल्टेज को हम नाप लेंगे। तो जहाँ से बैटरी का कनेक्ट हुआ है वहाँ पे प्लस माइनस पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 4.20 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे इसका आउटपुट का भी कनेक्शन है, तो आउटपुट में यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है। तो हमें चाहिए 1.5 वोल्ट, तो कोई ना कोई जुगाड़ करके इसका 1.5 वोल्ट हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने BC547 ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, और यहाँ पे 10K ओम का 2 रेजिस्टर लिया हुआ है, और इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के फर्स्ट लेग पे हम एक रजिस्टर जोड़ लेंगे, और फिर रजिस्टर का दूसरा लेग होगा और ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग पे जोड़ लेंगे। उसके बाद दूसरा रजिस्टर ले लेंगे, दूसरा रजिस्टर को ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग पे जोड़ लेंगे। ये हमारा कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको सोल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद इसके कनेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे इसका प्लस, यहाँ पे बीच वाले को छोड़ के यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, अब डायग्राम में जाके आप कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको हम इसमें फिक्स करेंगे। तो यहाँ से ये बीच वाले पार्ट को हमने इसको कट कर लिया हुआ है, ताकि इसमें हम चार्जिंग मॉड्यूल बैटरी के साथ लगा सकें। उसके बाद इसको चार्जिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। और जहाँ पे सेल लगता है उसके लिए एक वायर ले लेंगे, वायर लेके और मॉड्यूल से हम प्लस माइनस का आउटपुट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वायर सोल्ड हो चुका है। और उसके बाद जहाँ पे हमने चार्जिंग के लिए कट किया हुआ था, उसको हम यहाँ पे ग्लू गन से फिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से सूख चुका है। उसके बाद इसको इसमें हम सोल्ड कर लेंगे। तो जहाँ पे सेल लगता है वहाँ पे उस पार्ट को हम तो इसको घिस लेंगे। घिसने के बाद इसमें सोल्डिंग कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे मैंने इसको घिस के सोल्डिंग कर लिया हुआ है। अब इसको वायर इसमें सोल्ड कर लेंगे। प्लस माइनस का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, अब प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में यहाँ पे सोल्ड कर लें। कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको हम इसको नट के द्वारा इसको टाइट कर लेंगे। और आपका ये बैक कवर घड़ी में ना हो तो आप यहाँ पे साइड में
पीवीसी से बॉक्स बना के आप उसको इसमें फिट कर सकते हैं, या साइड में आप ग्लूगन के द्वारा बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल को भी आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आएगा और यहाँ पे हम चार्जिंग चेक करा दे रहे हैं। यहाँ पे चार्जिंग चार्जर के द्वारा चार्ज भी हो रहा है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।